यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं माँ यानी ममता की मूर्ति। फिल्मों में आपने माँ के किरदार में बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, इसके अलावा अभिनेत्री के रूप में भी आपने देखा होगा। हम बात कर रहे हैं सुलोचना जी की, सुलोचना लाडकर, लेकिन हम सभी उन्हें सुलोचना जी के नाम से जानते हैं। सुलोचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। सुलोचना जी, आपके जीवन में बहुत सारे मकाम आए, इतना लंबा सफर आपने तय किया, हिंदी और मराठी फिल्मों में अलग अलग तरह के कीर्तिमान आपने स्थापित किए। हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ से आपका प्रवेश हुआ फिल्मी दुनिया में। ये फिल्मों का शौक आपको कैसे हुआ? मैं कोल्हापुर में थी जी, और वहाँ भालजी पेंढारकर जो जी जी बहुत बड़े डायरेक्टर, उनका स्टूडियो था जी जी, जयप्रभा स्टूडियो, जयप्रभा स्टूडियो जी। फिर मैं वहाँ दाखिल हो गई। अच्छा, मैंने नौकरी कर रही थी। नौकरी के लिए गई थी आप? पहले तो स्टूडियो में ऐसे नौकर जैसे ही होते थे। हाँ हाँ। हर महीने उनका पगार होता था। अच्छा, जो भी है। अच्छा, अच्छा। और जैसे बाकी कंपनियों में होता है या फैक्ट्री में होता है वैसे ही चलता था जी। तो वहाँ कैसे काम करने पड़ते थे? वहाँ मैं गई तो अभी मैं नई नई थी जी, तो वहाँ वो जो भाई जी पेंढारकर थे उन्होंने हमें कहा कि आप अभी नहीं हैं, लेकिन आपको एक काम करना है। अभी वहाँ शूटिंग भी उनके हिंदी पिक्चर की चल रही थी जी जी, पृथ्वीराज जी कपूर थे जी जी, दुर्गा खोटे, शांता आपटे, ऐसे बहुत हिंदी के आर्टिस्ट थे जी जी। तो बोले आप शूटिंग देखते रहो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वह हम लोग सुबह से मैं और दो तीन लड़कियां थी, हमें जाके स्टूडियो में बैठते थे। हाँ। और सारा दिन शूटिंग देखते थे। अच्छा। ऐसे चलता था बस शुरू में तो। हाँ 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 हाँ। तो वो देख देख के आपके मन में भी हाँ, तब तक तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं। अच्छा। था या पहले से कुछ ऐसे नहीं लगता था मैं फिल्म में जाऊं वगैरह, ऐसे कुछ नहीं जी जी, जी। एक कहीं नौकरी करनी है वो मैं नौकरी कर नौकरी रही थी, इतना ही मुझे मालूम था। अच्छा। कोई छोटे मोटे रोल भी करती थी क्या? नहीं, तब तक अभी तक कुछ नहीं किया था मैंने, बस खाली आप हाँ बस जाके वो तो नौकर थे तो वो बोलते थे जाके देखते रहो। फिर कैसे शुरुआत कैसे हुई? तो बाद में कुछ से 3-4 महीने के बाद उन्होंने एक मराठी पिक्चर शुरू की सासुरवास। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मुझे काम दिया। अच्छा। सेकंड रोल का था जी जी, जी, जी। एक तो शांता जोक करके मराठी के थे, वो भी पहले ही काम कर रहे थे, स्टेज के आर्टिस्ट थे। अच्छा। और मैं और मास्टर विट्ठल पहले के जमाने के जो हीरो है वो हीरो थे। ऐसे करके को पहली पिक्चर मेरी सासुरवास शुरू हो गई जी। तो बस वहाँ से बस वहाँ से तो वो बाबा, हम बाबा उनको बोलते थे, सभी बाबा ही बोलते हैं उनको। तो शूटिंग से पहले, पिक्चर शुरू होने से पहले महीना दो महीने उसके रिहर्सल करते थे वो। हाँ बाकायदा जैसे स्कूल में वगैरह होता है ना, 10 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक, वैसे हम लोग जाके हॉल में बैठते थे सब लोग। और फिर वो हमको अपने अपने सीन जैसे आते थे उसे हम लोग रिहर्सल करते थे, वो क्या गलती होती है वो बताते थे वो हम, ऐसे चल रहा था। और उसके बाद फिर और भी फिल्में मिलने लगी आप? हम बंधे हुए थे उस स्टूडियो में। अच्छा। जो उनके काम होते थे? हाँ, उनके होते थे वही करना। मुझे तो पहली बार काम मिला था वो रोल ऐसे, तो वो मैं रिहर्सल करके शूटिंग करते थे। उसमें बबरो पेंढारकर थे जी जी, बाकी बहुत से लोग, मास्टर विट्ठल ये तो पुराने बहुत आर्टिस्ट थे उसमें जी, राजा परांजपे थे, राजा परांजपे थे, वसंत शिंदे, सूर्यकांत, ये सब लोग थे। तो यहाँ से आपका एक सफर? हाँ, मेरा शुरू यहाँ हुआ, यहाँ से हुआ। हमारे साथ हैं अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना जी, और हम कह सकते हैं कि माँ के किरदार में उन्होंने हिंदी फिल्म जगत को जितनी ज्यादा गहराई और जितना समृद्ध किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। सुलोचना जी, इस तरह से आपका एक फिल्मी सफर शुरू हो गया, लेकिन अभी तक आप छोटे मोटे किरदार या सेकेंड लीड या जूनियर आर्टिस्ट के रूप में थी, इसके बाद आपकी अभिनेत्री के रूप में फिल्म आई थी? पहली पिक्चर तो मराठी, मराठी फिल्म भालजी पेंढारकर, उन्होंने वहाँ, मैं नौकर थे पहले। हाँ। वहाँ उन्होंने मुझे पहला रोल दिया, सासुरवास एक पिक्चर थी जी जी, जिसमें मास्टर विट्ठल पहले के खूब मशहूर। हाँ, अरे बहुत आर्टिस्ट ही, जी, जी। वो थे, काफी आर्टिस्ट उसमें थे, बाबूराव पेंढारकर। तो उसमें मुझे पहला रोल उनके साथ मिला, तो वहाँ से आप अभिनेत्री के रूप में, वो मेरा शुरू लीड रोल आ गया। हाँ, उसमें दूसरी एक शांता जोक करके भी थी, दूसरी नई आर्टिस्ट थी वो भी, नहीं थी वो, और मैं, और हीरो थे मास्टर विट्ठल। अच्छा। तो इसके बाद आपने जो मराठी सिनेमा था
उसमें एक के बाद एक किरदार शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने जय भवानी पिक्चर की जिसमें हीरोइन थी मैं। जय भवानी ये पहली पिक्चर में साइड रोल था मेरा, सेकंड हीरोइन थी इसमें, हीरोइन जय भवानी में। वहाँ से तो फिर सब हीरोइन के पिक्चर्स मेरे आए जो भी आए। मराठी फिल्मों में मैंने कोल्हापुर में काम किया, पुणे में भी शूटिंग करते थे तब तो पुणे में भी दो तीन स्टूडियो थे जी, और कोल्हापुर में थे। यहाँ ज्यादा करके मराठी पिक्चरें बनती थी जी जी। हाँ तो मराठी का यह सफर चलता रहा जी। फिर आप हिंदी की तरफ कैसे हैं? मैं जब पुणे में काम करती थी तो मेरी एक मराठी पिक्चर थी स्त्री जन्मा तुझी कहानी जी, तो वो रणजीत स्टूडियो ने उसके राइट्स ले ले, हिंदी बनाई, औरत ये तेरी कहानी हिंदी में बनी, और उसमें जो मेरा मराठी में अक्का ने दीदी करके जो रोल था वो वही मुझे उन्होंने दिया, वही दिया जी। बाकी कोई नहीं, लेकिन मुझे अकेले को उन्होंने लिया था उस फिल्म में, चंदूलाल शाह थे उन्हें। हिंदी का सिलसिला मेरा वहाँ से शुरू हो गया। एक और फिल्म आई थी आपकी जो बाद में हिंदी में बनी, भाभी की चूड़ियाँ, मैं मराठी में थी वो, मीना जी ने बाद में हिंदी में। बहनीचा मांग लिया सजनी एक पिक्चर थी जिसमें मैं हीरोइन थी, अनुप कुमार हीरो थे और मैं हीरोइन थी। दीदी हमने सुना है कि एक कोई हिंदी की फिल्म थी उसमें आपने बहुत लंबा चौड़ा मराठी का डायलॉग बोल दिया था। रंजित स्टूडियो में मेरी पिक्चर चल रही थी, शूटिंग चल रही थी जी, और एक ऐसा खूब लंबा चौड़ा एक डायलॉग था उसमें मोतीलाल जी भी थे, ऊपर से मैं बोलते बोलते आती हूँ और नीचे आके वो पति मेरे जो है वो निकल जाते हैं और मैं वहाँ गिर जाती हूँ। अच्छा, तो इतना लंबा डायलॉग चल रहा था तो उसका शॉट शुरू हो गया। शॉट शुरू होते ही मैं ऊपर से बोलते 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 आ गई और यहाँ आ गई कि गिर गई और गिर गई, उसके बाद कट हो गया शॉट। फिर मुझे मुझे एक आदत थी कि मैं जाके साउंड ट्रैक सुनती थी हर शॉट के बाद, वैसे ही ये जाके मैंने साउंड ट्रैक सुना तो उसमें आधे से ऊपर मैंने मराठी बोली है। तो फिर मैंने आके उनको बताया कि ये शॉट फिर से लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी मराठी उसमें बोला है। तो फिर मोतीलाल जी बोले नहीं नहीं शॉट बहुत अच्छा हुआ है, लॉन्ग शॉट है, हम डब कर लेते हैं, फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा हुआ। उन्होंने मेरे लिए बोला और फिर वो बोलते हैं तो क्या सब लोग मान जाते हैं जी, जी, जी। तो उसके बाद वो सिर्फ साउंड लेके उसमें डाल दिया उन्होंने। बहुत अच्छा। और मोतीलाल जी के साथ आपने बाद में भी काम किया, हमें एक फिल्म याद आ रही अब दिल्ली दूर नहीं, ये बहुत बात की हालांकि फिल्म लेकिन उस फिल्म भी आप में भी उसमें थे वो जी। कैसा था आपका उनके साथ अनुभव? बहुत अच्छा था, यानी वो बहुत मुझे इज्जत देते थे और इतना मुझे, मैं कभी बोलती हूँ मुझे आपके साथ काम करने को डर लगता है, नहीं 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 कुछ नहीं, बिल्कुल सब अच्छा होता है, डरने का कुछ नहीं है, आप काम अच्छा करती है, ऐसे मुझे वो बोल देते थे जी, जी, जी। और मैं उनके साथ दो तीन पिक्चर तो की मैंने, दो तीन पिक्चर बहुत अच्छे थे वो उस सवाल ने। हमारे साथ हैं सुलोचना दीदी, इनके बारे में हम क्या कहें, आप सभी जानते हैं जितने भी हमारे फिल्म देखने वाले फिल्म के चाहने वाले लोग हैं, माँ के किरदार में आपने बहुत ज्यादा देखा, इसके अलावा मराठी फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में आई और एक से बढ़कर एक फिल्में की, मराठी और हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री सुलोचना दीदी जी हमारे साथ हैं, हम सभी के लिए ये बड़े ही गर्व की बात है। सुलोचना दीदी, इस तरह से आपका जो आगे सफर बढ़ा, बहुत सारी यादें हैं आपके जीवन की, बहुत सारी बातें हैं, हम जितना हो सकेगा आपसे जरूर जानना चाहेंगे। अशोक कुमार जी के साथ भी आपका बड़ा अच्छा रहा और उनके साथ आपने कई फिल्में भी की, तो कुछ उनसे जुड़ी हुई याद हो तो? उनके साथ दो तीन पिक्चर की मैंने, तो पहले पहले शुरू में तो मैं बहुत डरती थी, यानी वो इतने बड़े आर्टिस्ट उनके साथ मैं काम करती हूँ, पता नहीं मेरा काम कैसे होता है, इसलिए मैं उनसे कुछ मेरे लव सीन भी होते थे तो जब भी मेरे उनके सीन होते तो मैं उनसे ऐसे एक बार देखूँ और फिर इधर दूसरी तरफ देख के मैं सब पूरा डायलॉग बोलूँ। तो फिर वो बोले कि आप ऐसे क्यों कर रही है कि ये डायलॉग ऐसा है कि ये आप मेरे तरफ देख के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और मेरे भी एक्शन आएंगे, नहीं तो मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आता, और आप ये डायलॉग ऐसा है कि मुझे देख के ही बोलेंगे आप तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने वो बोले वैसे उनके जैसा किया, उन्होंने बोले तो बहुत अच्छा शॉट हो गया वो।
हाँ वो तो मुझे फिर हम बोलेंगे जब भी कुछ बोलना है तो आंखों में आंखें डाल के बोलना चाहिए। अच्छा, ये कहा नहीं तो हाँ आपके भी एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आएंगे तो सामने वाले के भी नहीं आएंगे। जी जी तो ये भी मैंने याद रखा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा बताया कि मैं ऐसे करूँ। जी जी मैं तो नहीं थी जी, लेकिन सब लोग मुझे बहुत प्यार से और इज्जत देते थे। सुलोचना जी ये वो दौर था जब और भी कई अभिनेत्रियां हुआ करती थी, लेकिन आपने मराठी में तो खैर नाम किया ही था और हिंदी में भी आपने अपनी जगह बना ली थी और इसके बाद आप माँ के किरदार में आ गई। जैसा कि हमने सुना है कि ललिता पवार जी आपकी बहुत अच्छी मित्र हुआ करती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, कुछ उन्होंने इस तरह की कोई बात कही थी? क्या हुआ सजनी पिक्चर एक चल रही थी हिंदी जिसमें अनूप कुमार में थे और तब तक तो मेरे हिंदी में हीरोइन के रोल चल रहे थे, तो एकदम से मुझे एक माँ का रोल आया विमलदा की तरफ से, सुजाता की माँ। तो वो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, विमलदा के जैसे आदमी को बुलाया है तो जाके काम करना चाहिए, और फिर लगे तो इधर तो मैं हीरोइन हूँ वहाँ जाके माँ का काम कैसे। नूतन और शशिकला ये दो लड़कियाँ होती है और उनके माँ का रोल था, तो ऐसे ही मैंने फिर ललिता भाई और दुर्गा भाई उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है मैं मुझे बुलाते हैं मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं सब पिक्चर छोड़ना भी नहीं चाहते, विमलदा के पास काम आया है जी। तो उन्होंने कहा क्या कर डरने के, अभी हीरोइन तुम कितने साल काम करूँगी और एक दो तीन साल बाद में आपको रोज काम करना है तो माँ के ही रोल करने पड़ेंगे, अभी हम देखो करते हैं क्या हमारी इज्जत नहीं है, क्या हमसे लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते। फिर मुझे लगा कि हाँ ये जो बोलते हैं सच्चा है, फिर मैंने वो विमलदा के पिक्चर लेंगे उनके साथ फिर आपने काम किया और बहुत अच्छा आपका उसमें रोल था, बहुत अच्छा याद सुजाता में। सुजाता में तो सुजाता फिल्म की बात आपने की, उस सुजाता में आप सबसे पहली बार माँ के रूप में आई जी, और एक आपने उस फिल्म में लोरी गाई थी बहुत अच्छी लोरी। जी हाँ जी हाँ, नन्ही कली सोने चले। हम बात कर रहे हैं सुलोचना दीदी से। सुलोचना जी आपका वो सफर जो पूना से शुरू हुआ, कोल्हापुर से एक तरह से शुरू हुआ, पूना तक आई, पूना के बाद फिर आप बम्बई आई, अब पूना की आप दिलाएं अगर आपको तो एक फिल्म थी आपकी सुहागन, और उस सुहागन फिल्म में गीता बाली जी साथ में थी और गीता बाली जी के साथ आपकी बड़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी, तो कुछ यादें जरूर होंगी आपकी जी। गीता बाली के साथ तो बहुत अच्छा था मेरा, सब बहुत अच्छे से बोलते थे मैं बम्बई आऊंगी तो मैं आपसे मिलूंगी आपके पास आऊंगी, बहुत अच्छी लड़की थी, तो जब भी मिलते थे तो मुझे इतने एकदम आके ऐसे गले लग जाते थे, और क्या बोलूँ मैं, बोलने में भी तकलीफ हो रही है कि उनकी याद आती है मुझे तो जी, 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 सच में, और इतनी गहरी दोस्ती थी आप दोनों जी। हाँ जी हाँ, लगता था इतनी हिंदी की बड़ी हीरोइन है, मैं तो नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मैं इनके साथ काम करूँगी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मैं वो हिंदी की इतनी बड़ी आर्टिस्ट है वगैरह, इतनी उन्होंने खुद ही मेरे से इतनी दोस्ती की कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसे अलग है। आपकी बेटी कंचन के नाम पे उन्होंने, हाँ मेरे लड़की का नाम कंचन था जी। तो उनको उन्होंने मिली थी कंचन से, तो बोली अब मुझे लड़की होगी तो मैं उसका नाम कंचन ही रखूंगी, वैसे उन्होंने अपने लड़की का नाम कंचन ही रखा। जी, 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 जी। तो गीता बाली वैसे तो उन्होंने गीता बाली ने बहुत हिंदी फिल्म में बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे जी। उस दौर में आपने हिंदी की फिल्में करनी शुरू कर दी थी, मराठी की फिल्में चल रही थी उस समय, मराठी फिल्में भी करती जा रही थी। हाँ मैं हमेशा क्या शुरू ही मैंने ऐसे रखा कि एक महीना होता है तो उसमें के तीन हफ्ते में हिंदी की शूटिंग करती थी। अच्छा। और एक हफ्ते में मराठी पिक्चर करूँ, दोनों हाँ एक के बाद एक करूँ, लेकिन एक तो मराठी पिक्चर मेरी आती थी एक के बाद एक। मराठी वाले आपको कहाँ छोड़ने वाले थे? हाँ वो तो है ही, लेकिन मुझे भी लगता था मैं काम करूँ, क्योंकि उसमें तो मेरी पूरी कहानी मेरे ऊपर होती थी।
सब रोल अच्छा होता था तो वो भी छोड़ने को मेरा दिल नहीं होता था तो मैं ऐसे करती थी। फिर धार्मिक फिल्में भी तो आप उस बीच कर, धार्मिक पिक्चर में तो बहुत काम किया मैंने और उसमें अच्छे क्या हुआ, पहले तो निरुपा जी काम करते थे तो उनको भी सोशल में काम करने लगा तो उन्होंने भी मेरे नाम से इधर मेरे पास लोगों को भेजा धार्मिक फिल्मों में। और फिर मैं धार्मिक पिक्चर मुझे अच्छा लगता है धार्मिक पिक्चरों में काम करने, मीराबाई में मैंने किया था, काफी पिक्चरों में किया तो। लेकिन हिंदी में ना धार्मिक पिक्चरों में काम करने वालों को कुछ 80 करोड़ पिक्चर में काम करने वाले समझते हैं। निरुपा जी भी उसी लिए उन्होंने छोड़ दी धार्मिक पिक्चर करने, क्योंकि उनके लिए भी सोशल में यही होता था, एक अलग लाइन थी उसकी। हाँ। तो मेरे लिए भी वही शुरू हो गया तो फिर मैंने भी वो बंद कर दिया। लेकिन आपने सोशल में एक फिल्म याद दिलाएंगे आपको, रामायण फिल्म आई थी। हाँ, उसमें संपूर्ण रामायण में काम किया, उसमें आप कई-कई बनी, कई-कई बनी थी। अच्छा देखिए, एक तरफ आपका एक कौशल्या जैसा आपका जो चरित्र है आपका जो फिल्मों में आपने, मैं करने वाली नहीं थी लेकिन ललिता पवार ने बोली नहीं नहीं करो तुम करो। मैंने कहा भाई मुझे कैसे करने आएगा, अरे रामायण हम सब समझाएंगे। और उन्होंने जबरदस्ती मुझे वो काम करने को, कई-कई का एक अलग तरह का रोल करने, कैसे आपने निभाया उस करेक्टर, निभाया करते थी मैं, कुछ गलत होता था तो मुझे ललिता जी दुर्गा भाई ये सब मुझे बोलते थे क्या करना है कैसे करना है, तो फिर वो उन लोगों की बहुत मदद हुई मुझे जी। और इस तरह से वो करेक्टर हुआ। सुलोचना जी, आपने बहुत सारे अभिनेताओं की माँ का रोल तो निभाया ही, साथ ही साथ अभिनेत्रियों की माँ का रोल भी निभाया। एक माँ के रूप आप माँ रहे, अपने बच्चों की माँ, आप नूतन की माँ बनकर आई थी सुजाता में, सबसे पहली वो फिल्म थी आपकी भी बजाय की, तो नूतन जी से जुड़ी हुई आपकी कोई याद हो? नूतन जी का मेरी बहुत ही अच्छा है, बहुत मैं बचपन से उनको जानती हूँ और मद्रास में हम लोग साथ में बहुत पिक्चर में वो अच्छा। मैं उनकी माँ बनी हूँ या बहन बनी हूँ, ऐसे काफी पिक्चरों में हमने साथ में काम किया है। शूटिंग हमारी खत्म होती तो कभी कभी शॉपिंग पे जाते हैं ना तो वो मुझे पहले लाके होटल में छोड़ेंगी तो फिर आपको गाड़ी लेके चली जाएगी, यानी मुझे वहाँ बैठा के ऐसे कभी नहीं किया उन्होंने, होटल पे जाके छोड़ के फिर जाएंगे खुद। बहुत अच्छा उनका स्वभाव था जी, बहुत सीधी सादी लड़की थी, अभिनय भी बहुत अच्छा था और वो तो थी सवाल ही नहीं, लेकिन ऐसी भी बहुत अच्छी लड़की, नरम दिल की थी। सुलोचना दी, आपसे बात हो रही है हिंदी फिल्म जगत की और उस सफर की जो आपका एक बहुत लंबा सफर। दीदी, अभी हम बात करेंगे और भी लोगों के बारे में, जैसे कि अभी अशोक कुमार जी के बारे में बात की और भी कई कई कलाकारों के साथ आपने काम किया, मोतीलाल जी की बात हुई और राज कपूर जी के साथ भी आपकी 2-4 फिल्में आई हैं जी, वो मैंने उनको देखा है कभी कभी, वो तारा हरीश वगैरह थे ना। हाँ। वो तो उनको उनके पास असिस्टेंट थे पहले तो वो कभी शॉट लगा के बोलते थे जरा राज जी आप देख लीजिए शॉट, तो बोलते थे नहीं नहीं आप डायरेक्टर हैं आप देखेंगे और आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, तो उन्होंने कभी अपने असिस्टेंट ने डायरेक्टर बना और उसका शॉट देखा ऐसा नहीं हुआ, वो फिर उसको डायरेक्टर मानते थे और उसी तरह से काम करते थे। बड़ी अच्छी बात थी, मतलब भले वो पहले असिस्टेंट रहे हों लेकिन अगर फिल्म की उन्होंने तो एक डायरेक्टर की तरह वो देखते थे। बहुत सारी खूबियां हैं राज कपूर जी के साथ, कोई और कोई अच्छी कोई याद हो आपकी, कोई उनके साथ कोई वाकया, कोई याद, कोई शूटिंग के दौरान या कोई शूटिंग के बाहर की? उनके साथ मैंने उनके पिक्चरों में भी काम किए, मैंने 2-3 पिक्चर में दोस्ताद में काम किया था, उसमें तो बहुत अच्छा रोल था उनका, उनके साथ मैंने काम किया और भी 2-3 पिक्चर, दूसरा एक था खान दोस्त था उसमें भी किया और बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे वो। मैंने कोल्हापुर में देखा था, मेरे बाबा है ना वो तो पहले हिंदी भी पिक्चर बनाते थे तो उनका एक पिक्चर था वाल्मीकि जिसमें फिर सुराजी थे। हाँ हाँ। तो ये सब उनके बच्चे बच्चे भी साथ में थे उनके, इतना बाबा का और उनका घर जैसे सगड़े सब सब हो गया था, ऊपर ही रहते थे स्टूडियो में, तो राजीव वहाँ आते थे तो एक उसमें एक नारद का रोल है वाल्मीकि में, तो फिर बाबा ने उनको देने का राज कपूर को देने का बोले, तो पृथ्वीराज जी बोले नहीं नहीं इसको मत दीजिए इसको कुछ नहीं आता आप काफ़ी आपकी फिल्म खराब होगी फिर आपको किसी को लेके करना, नहीं नहीं कुछ वो मेरा भांजा है मैं उसको ही दूंगा, फिर उन्होंने
उसमें काम दिया उनको, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसने। राज साहब की बात हुई जी, दिलीप साहब के साथ भी आपकी? हाँ, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो 2 से 10 की शिफ्ट होती थी, वो रख हमेशा उसी शिफ्ट में वो काम करते थे, लेकिन कुछ सीन रह गए हैं, कुछ उनका काम रह गया तो उसको कंटिन्यू करते थे। कितना आगे रात के 4 बज जाएंगे तो भी वो शूटिंग करते थे जी, जी। तो एक दिन मैंने उनको पूछा, आपके पास इतने डेट हैं सब है तो आप रात को क्यों काम करते हैं? तो फिर उन्होंने बताया क्या होता है, एक सीन चल रहा है, सीन वो सीरे सीन है, उसमें जो हमारा मूड है, ये कपड़े हैं, ग्लिसिन डाला है तो चेहरा जो बदल गया है जी, सब ऐसा जो होता है वो सब कल आऊँगा शूटिंग करूँगा तो फिर फ्रेश हो जाएगा, इसीलिए वो शूटिंग कंटिन्यू करके करते थे, कितनी भी देर हो जाए काम पूरा कर। हाँ, फिर मुझे कुछ बात उनकी अच्छी लगी, फिर मैंने भी वैसे ही शुरू किया करना। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात पे, क्योंकि आज का कल फिर से फ्रेश मेकअप होने से होता ही नहीं है। हाँ, हाँ। सब फर्क पड़ जाता है जी, 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 जी। वो जो एक सीन चल रहा होता है फिर अगले दिन वो सब चेंज हो जाता है, इसीलिए तो दिलीप साहब जी। हाँ, वो दिलीप साहब हैं। सभी कहते हैं कि उनके जैसा कलाकार सदियों में कभी पैदा होते हैं, सचमुच सही बात। दिलीप साहब का काम मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनकी कोई भी पिक्चर में 2-3-4 बार जितने बार देख सकूं देखती थी, उनका काम करना वो सब एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो पहली बार बम्बई में आई, पाइम में रहती थी और उसके सामने अपने रामानंद सागर रहते थे, और मुझे किसी ने बोला कि आज दिलीप कुमार उनके यहाँ आने वाले हैं, उनके उनकी दोस्ती है बहुत, और वो आने वाले, और रामानंद सागर का और मेरा जो बालकनी थी सामने सामने ही थी, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी खाना भी वहाँ बालकनी में बैठ के खाए, मैं मेरी एक फ्रेंड थी, और हम देखते बैठे कब दिलीप साहब आएंगे और देखेंगे हम। तो रात के कुछ 2-3 बजे वो शूटिंग करके कहीं से आ गए, फिर हमारे वो ड्राइवर ने क्या किया, जल्दी जल्दी से जाके लाइट डाला उनके उनको दिखाने के लिए, वो तो हमने देखा, फिर वो खाना खा के वापस जा रहे थे, तब तक हम लोग बैठ के उनको देखते थे, क्योंकि हम सिर्फ दिलीप कुमार इतना ही सोचते थे कि हम पिक्चर देखते थे, तो उनको देखने की बहुत तमन्ना थी, वो पूरी हो गई। हिंदी फिल्म जगत के 3 महारथी राज कपूर, दिलीप कुमार साहब और देवन। राज कपूर साहब के साथ आपने फिल्में की, दिलीप कुमार साहब के साथ भी आपकी फिल्में हुई, और देवानंद साहब के साथ तो आपकी बहुत सारी पिक्चरें की है, तो उनके साथ तो बहुत सारी यादें रही होंगी। तो शुरुआत कैसे हुई देवानंद साहब के साथ, जो आपने जो पहली फिल्म आई या फिर सिलसिला आगे बढ़ा, कुछ याद हो तो? देव साहब ना हमेशा वो कभी शिफ्ट के हिसाब से 9 बजे या 7 बजे ऐसे नहीं आते थे, वो 11 बजे स्टूडियो में आ जाए, आने के बाद वो सीधा स्टूडियो में ही आते थे सेट के ऊपर, और वहाँ अपना काम खत्म होने तक वहाँ बैठे रहे, लंच में भी वो अपने रूम में नहीं जाते थे, और जब काम खत्म होता है तो वहाँ से निकलते थे, उनका ऐसा तरीका था। लेकिन वो कभी मेकअप रूम में नहीं जाए या खाना खाने कहीं जाए, कुछ नहीं, एक किताब होती थी और वो बैठे रहते थे, किताब पढ़ते, काम हो ना हो वो वहाँ बैठे रहेंगे, कहीं भी मिलते थे तो वो माँ करके बोलते अच्छा। थे इस कांचन को भी मिले थे तो सेंसर के ऊपर आपकी बेटी थी, वो एक बार मुझे बोले कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपको देखते रहता हूँ, तो बोले क्यों मालूम है क्या, मैंने कहा कि नहीं क्या हुआ, तो बोले मेरी माँ बिल्कुल आपके जैसी थी दिखने में, तो मुझे आप दिखते हैं तो मुझे माँ आप मिली है ऐसे लगता है। सुलोचना जी, आपकी यादों के पन्नों को थोड़ा सा और पीछे की तरफ ले जाते हैं, और आपने माँ के रोल में चॉकलेट फेस वाले हीरो की माँ का रोल निभाया, आपने सुपरस्टार की माँ का जी रोल निभाया, और साथ ही साथ आपने ही मैं यानी धर्मेंद्र की माँ का भी रोल निभाया, धर्मेंद्र जी के साथ भी आपकी बहुत सारी फिल्में रहीं, तो धर्मेंद्र जी के साथ भी जुड़ी हुई आपकी यादें हैं, तो उन यादों की पोटली को थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए खोलिए। धर्म जी के साथ तो मैंने बहुत पिक्चरें की, धर्म जी 3-3 शिफ्ट में काम करते थे,
तो तब हमारे एक चल रही थी आजाद पिक्चर प्रमोद चक्रवर्ती की, और रात के 10 बजे थे, हम लोग उनकी बाट देख रहे थे। फिर कुछ 11-12 बजे वो आ गए और शॉट लगा था उनका और मेरा दोनों, पहले उनका शॉट लगा था उसके दूसरा शॉट मेरा, तो वो शॉट चल रहा था तो बोले किनका शॉट करना, तो बोले मैं आपका पहले लेते हैं और बाद में सुलोचना जी के साथ है वो लेते हैं, तो बोले नहीं 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 ये सब कैंसिल करो, पहले सुलोचना जी का काम खत्म करो, उनको घर भेज देंगे फिर हम रात भर काम करते रहेंगे। तो लगा हुआ शॉट उन्होंने वो निकाल दिया और फिर मेरे साथ जो काम था जी, वो काम उन्होंने पूरा किया, मुझे घर पे भेज दिया और बाद में वो रात भर शूटिंग करते रहे। तो वे से बैठे हैं थे वो मेरे सेट पे भी बहुत, तो मेरे लिए सोचते थे, मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो मेरा एक भांजा था दिलीप जी, दिलीप कुमार मुझे बहुत अच्छे लगते थे तो उनका नाम है इसलिए नाम रखा था उसका। अच्छा, अच्छा। तो तब हम गुलामी की शूटिंग करते थे धर्मेंद्र जी, 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 मैं जी, उनके साथ गुजर गया लड़का। तो बाद में मेरा कहीं जाने को दिल नहीं होता था, मैं जाती नहीं थी, और फिर तो धर्म जी ने किसी को पूछा कि सुलोचना जी क्यों नहीं आते शूटिंग पे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया उनके इसलिए नहीं। तो फिर वो एक दिन मेरे घर आए और बोले क्या ऐसे ऐसे मुझे पता चला कि आपका भांजा है वो गुजर गया इसलिए आप शूटिंग में नहीं, नहीं नहीं लेकिन आज से समझना ये आपका दिलीप मैं हूँ और आपका हमेशा साथ में रहूँगा, जब भी आप मुझे बुलाएंगी तो मैं आऊँगा, कभी ऐसा नहीं समझना कि दिलीप नहीं है, मैं दिलीप हूँ। तो आज से मैं आपका बेटा दिलीप बना हूँ, तो आप अभी उठिए खाना खाइए और मेरे साथ चलिए, ऐसे करके उन्होंने मुझे उठाया वहाँ से। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पर्दे पर देखा, अलग अलग किरदारों में देखा, माँ के किरदार में खासतौर से वो, और आपकी जो बहुत सारी बातें हैं उस दौर की वो उनको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा। आपने अलग अलग लोगों के साथ जो काम किया उसके बारे में, राजेश खन्ना साहब उनको हम नहीं भूल सकते और उनके साथ आपकी कई फिल्में आई और बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं, तो राजेश खन्ना साहब के बारे में बताइए। राजेश खन्ना जी को बहुत पसंद होती थी, क्या चकली चकली जो बनाते हैं वहाँ, मेरे भाभी बनाती थी, तो हर वह बात तुझे पूछे कि आपकी भाभी चकली नहीं बनाती क्या, तो फिर मैं बना के उनको ला के देती, तो बहुत उनको अच्छा लगता चकली था। बहुत अच्छी लगती चकली खाने में, और बस वही जब मिलेंगे तो चकली ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, राजेश खन्ना जी नासिर हुसैन के पिक्चर में आए थे, तब मैंने उनको देखा था, काम भी साथ में किया था। राज आई और तब सब लोग बोलते थे कहाँ का ढूंढ के लाए हीरो, तो कोई उनको बोलते नेपाली बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई बंगाली बोलता था, लेकिन पता नहीं मुझे लगता था नहीं ये आर्टिस्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आगे चल के जो हिंदी में उन्होंने काम किए एक से एक बढ़ के, तो मुझे लगता था कि ये बहुत बड़े कलाकार होने वाले हैं, यानी सुपरस्टार होने वाले हैं, और बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आर्टिस्ट वो निकले। बाहरों के सपने इस फिल्म में, हाँ बड़ा अच्छा, तो बाहरों के सपने में उसके बाद और भी कटी पतंग में भी थी आप। हाँ, कट्टी पतंग, मेरे जीवन साथी, काफी पिक्चरों में बाद में उन्होंने काम किया, मैं भी उनके साथ, और वो एक सुपरस्टार बन गए बाद में। तो बात की थी अमिताभ बच्चन साहब की, जिनके बारे में आपने भविष्यवाणी की थी और वो सचमुच एक महानायक बन गए, सदी के महानायक बन गए। रेशमा और शेरा फिल्म थी शायद वो, हाँ उसमें वो थे जी, रेशमा और शेरा ने, हाँ, और वो ऐसे गूंगे दिखाए थे, बात नहीं करने का, छोटू बने थे, छोटा छोटू बोलते थे सब, हम लोग भी बाद में कितने दिन तो उनको अभी भी मिलते हैं तो छोटू ही बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें भाई का रोल काम करते थे, वो कहीं भी आए तो उनके मेरी पहचान थी, बाकी सेट पे उनके किसी किसी पहचान नहीं थी, तो मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाके आके बैठते थे वो। तो सब लोग बोलते थे अभी इस कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इसे, मैंने कहा देखना एक दिन इतना बड़ा स्टार होगा कि आपको इनको मिलने के लिए कितने दिन लगेंगे, वैसे हुआ फिर आगे चल के आपको तो मालूम है। आपकी दोनों बातें सच जी, राजेश खन्ना भी सुपरस्टार भी और अपने अमिताभ बच्चन जी।
अमिताभ जी की जी अभी भी आपको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आपने उनके जन्मदिन पे कोई पत्र भी लिखा, उन्होंने जवाब भी दिया था और आपसे मिलने भी आए थे, तो बहुत सारी बातें होंगी, तो कुछ हमारे श्रोताओं को बताएंगे। आउटडोर शूटिंग कर रहे थे मजबूर का जी, तो अमिताभ जी थे, काफी लोग थे, तो मैं उस दिन सीमा रमेश है ना उनका भी मकान में आया, उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया लंच टाइम में जी, जी, जी। तो मैं जाने वाली थी, लंच हो गया हमारा, तो वो स्कूल है ना सांता क्रूज का, वहाँ शूटिंग था, उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए सीमा रमेश के घर जाने वाली थी, तो मैं गाड़ियाँ इतनी लगी थी, तो गाड़ी आने को कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, मैं अपनी खड़ी थी, तो इतने में अमिताभ जी वहाँ आए, बोले क्या आपको जाना है कहाँ, उन्होंने कहा हाँ मुझे खाना खाने जाना है, गाड़ी अभी तक नहीं आई, आपकी गाड़ी इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, मैं छोड़ता हूँ। फिर उन्होंने लाके मुझे रमेश देव के यहाँ छोड़ा, तो उनके बिल्डिंग इधर थी और इस साइड में मैं गाड़ी इधर थी, तो वन वे है ना वहाँ, तो उतर गई, तो बोले आप क्रॉस करके जाएंगे, मैंने कहा जाऊंगी, तो बोले नहीं नहीं, फिर खुद उतरे, मेरा हाथ पकड़ के मुझे क्रॉस करके ले जाके वो उनके घर के सामने खड़ा किया, और फिर आप चले गए और मैं खाना खाने ऊपर चली गई। एक और कलाकार के हम आपको याद दिलाएंगे और वो थे शम्मी कपूर, उनके साथ तो मेरी बहुत पिक्चर बनी, यानी मेरा ख्याल पहली पिक्चर मेरी हिंदी की उनके साथ ही बनी है। अच्छा कैरेक्टर रोल के लिए, हाँ दिल देके देखो पहली पिक्चर जो बनी, उसके बाद तो हर पिक्चर में मैं उनकी माँ होती थी, और वो भी जब प्रोड्यूसर उनके पास आते थे तो बोलते थे मेरी माँ एक फिक्स है उसी को लेना, तो ऐसे वो हर पिक्चर में मैं काम उनके साथ काम की। कभी अपने मोहन जी नहीं होंगे कुछ काम के लिए गए होंगे, तो शमी जी को बोल के जाते थे ये शॉट ये सीन इतना कर लो, मैं जाके आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डायरेक्शन करते थे, इतना अच्छा करते थे जी जी, कि मैं तो देखती ही रहती थी, मैंने कि ये आर्टिस्ट कलाकार हैं कि या डायरेक्टर हैं, कुछ मेरे समझ में नहीं आता था। एक बार पता चला कि उन्होंने खुद पिक्चर बनाने के कुछ सोची थी डायरेक्शन करने की, तब मुझे उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे पिक्चर कर रहा हूँ, मुझे आपके पिक्चर में मेरे काम करना है, मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी, इतना अच्छा डायरेक्शन कर, और खुद ही वो इतने अच्छे थे कि क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकती, कितने बार ही रिटेक हो कुछ हो जाए, कभी वो आर्टिस्ट पे ऐसे गुस्सा नहीं होते थे कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत कलाकार की इज्जत करते थे, और हम मुझे एक दिन बोले मैं आपको क्यों देखते रहता हूँ मालूम है क्या, तो मैंने कहा क्यों, तो मेरी माँ बिल्कुल आपके जैसी है, इसीलिए मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं माँ को देख रहा हूँ जी जी। और सचमुच आपका जो किरदार है या आप अभी भी आप हमारे सामने हैं, बिल्कुल ऐसी ही भावनाएं आती है मन में। विजय आनंद के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैंने काम किया है जॉनी मेरा नाम में, बाद में कोरा कागज में भी मैंने उनके साथ काम किया है, तो उनके पिक्चर्स भी हमेशा अच्छे होते हैं, तो मुझे खूब आनंद होता है उनसे मैं काम करना। और विजय आनंद तो ऐसे थे कि वो तो डायरेक्टर थे, अपने देव साहब तो उनके बड़े भाई थे, फिर भी जो उनको खुद को जो अच्छा लगता है यानी उस कहानी के रोल के हिसाब से, तो वही करने को वो बोलते थे, बोले वो नहीं मैं जो आपको बताता हूँ ना वही आपको करना पड़ेगा, और फिर वैसे ही फिर हम लोग काम करते थे, वो जो बोलते हैं वैसे जी जी जी। दीदी हिंदी सिनेमा में आपका योगदान कभी कोई नहीं भुला सकता, और आपको संगीत का भी बहुत शौक रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगी, कुछ गाने वाने का शौक है, कुछ संगीत वंगीत का कुछ गाने शौक है, मैं गाने सुनती रहती हूँ, खुद नहीं गाती, सुनने का शौक कभी गाया हुआ है कभी नहीं, नहीं। अच्छा डांस वांस कोई सीखा, लावनी डांस एक दो पिक्चर में मैंने किया था, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आता इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। दीदी अगर हम संगीत की बात करें तो
हिंदी फिल्म संगीत में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है लता जी का, लता मंगेशकर जी, स्वर सामग्री। लता जी और हम लोग तो कोल्हापुर से एक दूसरे को जानते, बहुत अच्छी आपकी दोस्ती, बहुत अच्छे एक दूसरे जानते थे। उनके माता जी जिनको हम माई बोलते हैं वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी, यानी कुछ अलग खाने का बनाई होंगी तो मेरे आने तक वो मेरा निकाल के रखती थी बाकी सब बच्चों को दे के। अच्छा, और मैं जब जाऊँ उनके यहाँ तो मुझे खाने के लिए देती, माई उनको बोलते हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा। और लता जी तो वहाँ से हम एक दूसरे को जानते, बीच में कुछ टूट गया था क्योंकि वो तो हिंदी में पहले चले गए। हाँ हाँ। काफी रिकॉर्डिंग वगैरह उनकी होती थी, वो गाने में आ गए, गाने में। और मैं तो बाद में काफी देर से मैं आई ना बम्बई, तो फिर जब बम्बई आई तो फिर हमारे एक दूसरे को मिलना ऐसा शुरू हो गया, फिर पहले जैसे हम आते जाते रहे। अच्छा, वो कभी कभी शूटिंग पे भी आया करती थी। हाँ, कोल्हापुर में शूटिंग पे आती थी। उन्होंने काम भी किया है ना पहले। हाँ, हाँ, तो तब वो काम तो नहीं, लेकिन वो मेरा शूटिंग होता था तो जरूर आते थे। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि लता दीदी को फोटोग्राफी का बड़ा शौक हुआ करता था। जी हाँ, वो बहुत करती थी। सुंदर आपकी फोटो उन्होंने क्लिक की, मेरे फोटो उतारे हैं उन्होंने, काफी पिक्चर फोटो निकाले, बहुत अच्छे फोटो निकालते हैं। वो तो कैमरा तो हमेशा हाथ में होता ही है और वो जितना अच्छा गाना गाते हैं उतना अच्छे फोटोग्राफी भी करते हैं। उनके सब भाई बहन तो बहुत छोटे छोटे थे तब कोल्हापुर में, तब वो मैं तो आशा को नहाने डाला है कपड़े बदले देना था उसको लेके मैं घूमी हूँ काफी कोल्हापुर में। तो ये सब बच्चे जो मैं पहले से जानती हूँ वो भी मुझे जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ आने के बाद फिर हमारी मुलाकात शुरू हो गई। रमेश देव जी के साथ भी रमेश देव की बहुत काम किया आपने, उनके साथ भी कई फिल्मों में रहे हैं जी। उनके साथ रमेश देव वगैरह ये तो बहुत बचपन से मैं वो भी कोल्हापुर के ना तो जानती हूँ, तो बाद में तो यहाँ मुंबई में आके तो वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए। सीमा भी अच्छी है उनकी, मेरी पहचान अच्छी है। अच्छा, आपने मराठी फिल्मों में कई यादगार किरदार निभाए, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा किरदार मराठी फिल्म का जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जिसको करने के बाद आपको लगा हो कि हाँ ये किरदार हमने निभाया, ये रोल हमने किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे काफी दिन से जीजाबाई का काम करना था, शिवाजी महाराज की जो माँ होती है, फिर वो रोल मुझे मिला और वो मैंने इतने दिल से किया कि सब लोगों को तो पसंद आ गया ही। मुझे भी हमेशा उस पिक्चर की याद आती है और कभी भी मुझे देखना हो तो मैं वो पिक्चर लगा के देखती बैठती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और हिंदी में ऐसी कौन सी फिल्म थी जो करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा? मेहरबान एक मद्रास की पिक्चर थी, अच्छा लगा, मेरा रोल भी अच्छा था, मुझे काफी अच्छी लगती है फिल्म, मैं देखती रहती हूँ कभी दोबारा देखनी हो तो उस फिल्म को। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ममता मई माँ के किरदार निभाए, कोई ऐसा किरदार आपका या कोई ऐसी फिल्म जिसको करने में आपको थोड़ा सा वक्त लगा हो, थोड़ा टाइम लगा हो? मराठी पिक्चर मैंने काम किया था उसमें, मराठा तितका मिलवा हुआ, उसमें मैंने जीजाबाई का रोल किया था और वो करने में मुझे काफी आनंद तो मिला ही है, बहुत तकलीफ भी होती थी, ऐसे लगता था अभी ये ठीक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बाबा की जो मिसेस थी लीला भाई उन्होंने खुद पहले किया का काम करते वक्त मुझे काफी, एक तो उसके रिहर्सल तो करती रही, उसके एक्शन वगैरह, क्योंकि बहुत वो एक अलग टाइप की औरत है ना सब करते हो, तो काफी मुझे सोच समझ के काम करना पड़ा वो करते हो और उतनी ही खुशी भी मिली। कोई ऐसा रोल आपके मन में रहा हो कभी कि ये रोल हम निभाते या निभाने की इच्छा रही हो? हाँ, वैसे तो भी एक अहिल्या बाई होलकर रोल अच्छा था मेरे लिए जी। और एक दो तीन पिक्चर ऐसे है जो कर नहीं सकी, अब कर नहीं सकूंगी उम्र के हिसाब से। जी जी जी, लेकिन वो आप करना चाहती थी, बहुत चाहती करने की, लेकिन फिर भी आपने जितने भी फिल्में की रोल निभाए सब यादगार फिल्में थी, यादगार फिल्में जी। अच्छा, आप फिल्में देखती हैं? मैं पिक्चरें देखती हूँ लेकिन मैं टीवी पे नहीं, थिएटर में जाके देखने को अच्छा लगता है, तो मैं अभी भी जाके थिएटर में पिक्चर थिएटर में तो मजा आता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। इधर कौन सी फिल्म आपको ज्यादा? एक बाजीराव मस्तानी पिक्चर आया था जी, वो भी मैंने ब्रॉडवे को जाके देखा, बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे, बहुत अच्छी बनाई थी पिक्चर। और आपके कौन से शौक हैं, क्या अच्छा लगता है? शौक खाने का शौक है क्या नहीं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है
और बूंदना भी अच्छा लगता है, मीठा कुछ भी मुझे अच्छा लगता है खाने को। पूरन पोली एक होता है, मोदक गणेश का, गणेश आता है तब करते हैं मोदक, वो भी खाने में। अच्छा, खाना बनाने का भी शौक रहा होगा? खाना बनाने का शौक तो नहीं है, खाने का शौक है। और वो मीठी चीजें आपको, मिठाई बहुत पसंद है? हाँ, मीठा मीठा तो बहुत खाती हूँ मैं। अच्छा। खाना नहीं चाहिए लेकिन खाती हूँ, क्या करें। जी जी जी। मुझे बुनाई का शौक था, मैंने एक स्कार्फ बना के बाड़ा से खुद पहले ले दी, बाद में स्वेटर बना के आर्टिस्ट को, मैं जिनके साथ काम करती हूँ उनको, हर लड़के को मैं फिर स्वेटर बना के देती थी, किसी को आधा किसी को फुल, ऐसे फिर मैं स्वेटर बनाती थी। क्योंकि स्टूडियो में मैं वो बुनने का लेके जाती थी, तो मुझे बहुत फास्ट करने की आदत लगी। अच्छा। तो मैं एक दो तीन दिन में एक स्वेटर बनाती थी। अरे वाह। तो फिर ऐसे ही बना के किसी को, अपने नजदीक के बच्चे हैं उनको देते। पढ़ने का जो आपका शौक है, ये कैसे आदत पड़ी? ये वहाँ मैं बाबा के स्टूडियो में जब थी ना, तो मुझे बोलते थे आप क्या बैठते हैं ऐसे ही, कुछ नहीं कुछ पढ़ा करो वगैरह। तो वहाँ लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, तो वहाँ जाके हम फिर किताब लेके पढ़ते थे। तो पूछते थे क्या पढ़ा दिखाओ, तो किताब दिखाते थे, तो उनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो बोले जो किताब तुम पढ़ते हो उसमें को तुमको क्या अच्छा लगा लिख के नीचे ला के बताओ, तो मैं देखता हूँ उसमें तुम्हें काम देने के लिए अच्छा है क्या नहीं। तो फिर ये ऐसे बोलने के बाद तो हमको पढ़ना ही पड़ा, और फिर रोज पढ़ने की आदत लग गई। और आज भी मैं जब उठ के कुछ पढ़ू नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आजकल कुछ पढ़ रही हैं? हाँ, एक तो पेपर पढ़ती हूँ। जी जी। और किताब, एक उमा आर्टिस्ट गुजर गई ना जी, उनके पति ने एक किताब लिखी है, वो पढ़ रही हूँ। कोल्हापुर का मैरिज में, लेकिन मेरे सब माँ पहले जो लोग रहते थे, माँ नानी दादी जो भी है, वो गांव बहुत छोटा खड़कलाट करके गांव है, कुछ 9-10 हजार के वहाँ लोग रहते थे, वो पहला उनका गांव, मैंने मेरे नानी का समझो है, मेरा जन्म उधर ही हुआ है वहाँ, फिर बाद में मैं इधर कोल्हापुर आ गई। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और इतनी सारी यादें, और आपका इतना लंबा फिल्मी करियर, 75 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, इतनी देर बैठी रही हमसे बातचीत की आपने, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं भी आभारी हूँ, आप आके इतने सब प्यार से आप लोगों ने मुझे समझा के, सब पता नहीं कैसे आया लिया है वो। अभी यादों में तो आपके सब भाई है कम से कम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से मुस्कराती हुई हमसे बातचीत करती रहें। हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर मौका निकालेंगे, आपसे समय लेंगे और अगले साल फिर आपसे मिलेंगे। जरूर जरूर। धन्यवाद।